देसी अवतार में उर्वशी रौतेला को एकटक देखते रहे लोग, भरतनाट्यम कर लूट ली महफिल। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मुंबई में हर साल पुलिस कर्मियों के लिए उमंग प्रोग्राम आयोजित होता है। इस साल इस इवेंट में उर्वशी रौतेला ने भरतनाट्यम कर सभी का मन मोह लिया। उनका देसी अवतार देख फैंस उन्हें एकटक देखते रह गए। क्या आपने देखे उनके वीडियोस? देसी अवतार में उर्वशी रौतेला को एकटक देखते रहे लोग, भरतनाट्यम कर लूट ली महफिल। उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस है। वो फिल्मों से ज्यादा फिटनेस के लिए जानी जाती। उनकी खूबसूरती पर लाखों लोग मरते हैं। क्या आप जानते हैं कि उर्वशी एक्टिंग के साथ साथ भरतनाट्यम डांस करने में भी माहिर है? जी हाँ, उन्होंने इस क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ली है और हाल ही में हर साल मुंबई में पुलिस वालों के लिए आयोजित होने वाले प्रोग्राम में अपने इस टैलेंट को बखूबी पेश किया, जहाँ उनका डांस देख सभी मुग्ध हो गए। वही उनका देसी लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अक्सर वेस्टर्न ड्रेस में नजर आने वाली उर्वशी का ये अवतार देख फैंस उन पर फिदा हो गए हैं। उर्वशी रौतेला ने सोशल मीडिया पर अपनी कई वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें वो उमंग 2022 के स्टेज पर जाने से पहले प्रैक्टिस करती दिखाई दे रही है। उनका डांस, मुद्राएं और सुंदरता देख लोग उन्हें एकटक देख रहे हैं। फैंस का कहना है कि वो इस लुक में किसी अप्सरा से कम नहीं दिख रही हैं। कंफर्ट की बात करें तो उर्वशी रौतेला जल्द ही रणदीप हुड्डा की अपकमिंग वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश में दिखाई देंगी। इसके अलावा वो साउथ इंडस्ट्री में भी अपने जलवे बिखेरने के लिए तैयार है। हिंदी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने साल 2013 में सिंह साहब द ग्रेट से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद वो सनम रे, ग्रैंड मस्ती, हिट स्टोरी और पागलपंती जैसी फिल्मों में नजर आई। उर्वशी जल्द ही हॉलीवुड में भी अपने कदम रखने जा रही है। वो नेटफ्लिक्स की मूवी में नजर आएंगी। उनके साथ माइकल मोरोन होंगे। इस मूवी को बार बार ब्योलवास डायरेक्ट करेंगे। 28 साल की उर्वशी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वो अपने खूब सारे वीडियो और फोटो शेयर करती रहती है। उन्हें इंस्टाग्राम पर 52.7 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।